हेलो इंडियन गेमर्स, वेलकम टू द चैनल गेमिंग एवरीवेज, राइट्स एवरीथिंग अबाउट गेमिंग। तो जब गेमिंग की बात आती है तो आज हम बिल्ड करने वाले हैं एक अच्छा सा गेमिंग पीसी विदाउट ग्राफिक्स कार्ड, ऑब्वियस है वो। और तो आज देखते हैं ये कंपोनेंट्स के बारे में जो हम इस पीसी बिल्ड में यूज करने वाले हैं। तो बात आती है प्रोसेसर की, तो हम यूज करने वाले हैं AMD का Ryzen 5 5600G, द लेटेस्ट Zen 3 आर्किटेक्चर पे। तो ये प्रोसेसर हम यूज करने वाले हैं विद इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड। फॉर मदरबोर्ड हम यूज करने वाले हैं ROG Strix का B550F गेमिंग वाईफाई, ये बहुत ही तगड़ा ग्राफिक्स मदरबोर्ड है। फिर उसके बाद जो हम रैम यूज करने वाले हैं, एक्चुअली हम यूज करने वाले हैं जीस्किल की ट्राइडेंट जी नियो, ये RGB वाली किट, पर जैसे कि वो आज हमें अवेलेबल नहीं मिली तो इसलिए ये टेम्प्रेरी हम आज मिटाने वाले हैं, बट कल ये अपग्रेड हो जाएगी। और फॉर M.2 स्टोरेज 1TB की हम यूज करने वाले हैं फॉर गेम्स एंड ऑल द फाइल्स। एंड फॉर एडिशनल स्टोरेज हम सीगेट की 1TB की हार्ड ड्राइव यूज करने वाले हैं। फॉर पावर सप्लाई हम यूज करने वाले हैं कूलर मास्टर का 750 वॉट्स का पावर सप्लाई। इसकी इसलिए जरूरत है क्योंकि आगे जाके ग्राफिक्स कार्ड और आदि चीजें बिठाने वाले हैं, अपग्रेड करने वाले, तब ये PSU को काम आ जाएगा। एंड फॉर कूलिंग हम यूज करने वाले हैं डीपकूल का कैसल 240EX, ये लिक्विड कूलर। इसकी तो खास जरूरत नहीं है पर उनको ये चाहिए था तो इसलिए हमने ये उस पर ऐड किया है। नहीं तो ये प्रोसेसर स्टॉक कूलर पे भी अच्छा खासा चल जाता है। एंड फॉर कैबिनेट हम यूज करने वाले हैं NZXT का H510 Flow, ये वाला कैबिनेट। तो आइए जल्दी से करते हैं ये पीसी बिल्ड। हम पहले मदरबोर्ड को अनबॉक्स करेंगे। ये हमारा चाकू, बहुत सारे स्टिकर्स, केबल टाइप और कुछ केबल, M.2 स्क्रूज, और ये ROG के स्टिकर्स, और बाकी पर्चियर, वेलकम कार्ड। तो अभी करते हैं अनबॉक्सिंग हमारे प्रोसेसर की। प्रोसेसर
जब आप प्रोसेसर इंस्टॉल करते हो तो मेक श्योर कि उसका जो ट्रायंगल है वो मदरबोर्ड के ट्रायंगल के साथ अलाइन हो जाए। बहुत ईजी प्रोसेस है। जैसे कि मदरबोर्ड पे ये हीटसिंक भी अवेलेबल है तो आप नॉन हीटसिंक वाले जो M.2 स्टोरेज है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुशल की तरफ से आने वाली P2 M.2। मदरबोर्ड रेडी, फिर इसको अभी रैम निकालनी है। ऐसे अंडे के ट्रे में रेडिएटर।